अगर 20 लोग भी परचेस करते हैं तो 20,000 महीने के आपके फिक्स, $1,700 पर रेफरल भाई, 1 लाख से भी ज्यादा। अमेजोन से लोग लाखों रुपए कमा रहे पर मंथ, वो भी सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करके। एफिलिएट ही फ्यूचर है। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग करके आप अच्छा खासा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एंड सेकंड कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप पूरे साल जिनसे आप इनकम कर सकते हैं, एंड कौन कौन से हाईएस्ट पेड एफिलिएट प्रोग्राम्स है गाइस, यानी कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स आपको हाई कमीशन रेट देते हैं। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास एक ऑडियंस का बेस होना चाहिए, तो आप ऑडियंस अपनी कहाँ से बिल्ड कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सो एफिलिएट मार्केटिंग की कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे इनकम की जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग का ग्रोथ गाइस बहुत तेजी से हुआ है। 2016 में जो एफिलिएट इंडस्ट्री थी गाइस, वो $96 मिलियन की इंडस्ट्री थी, लेकिन ये अब देखा जा रहा है कि 2025 आते आते ही 835 मिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, यानी ये 835 मिलियन वाली इंडस्ट्री होने जा रही है गाइस 2025 तक। तो सोच सकते हैं कितनी तेजी से इसमें ग्रोथ आया 2016 के बाद। तो डेफिनेटली ये एक फ्यूचर स्कोप हो सकता है गाइस, इससे बहुत लोग अभी भी अर्निंग कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी अर्निंग करेंगे। पहले बात करते हैं गाइस एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। गाइस एफिलिएट मार्केटिंग को अगर सिंपल मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको मिलता है, जिसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ तो मैं अमेजोन के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। अमेजोन के प्रोडक्ट जो होते हैं उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे अमेजोन के बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे आप। तो मेरा अगर कोई व्यूवर उस लिंक पर क्लिक करके अगर कोई सामान परचेस करता है तो उस प्रोडक्ट का कुछ परसेंट कमीशन मुझे मिलता है। अभी काफी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमें जो कंपनी है वो एफिलिएट प्रोग्राम में क्यों ज्वाइन करवाती है, यानी इससे उन कंपनी को क्या फायदा है। तो भाई कंपनी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब एफिलिएट मार्केटिंग नहीं थी, लाइक एफिलिएट प्रोग्राम उतना नहीं एक्टिव था, तब कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करती थी कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाती थी। लाइक वो टीवी पे एड्स चलाती थी, मैगजीन में एड्स चलवाती थी, उसके बाद न्यूज़पेपर में एड्स चलवाती थी। तो इससे जो है कंपनीज का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था और रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा खासा नहीं आता था, यानी प्रोडक्ट की सेल भी उनकी इंक्रीज़ नहीं होती थी। तो कंपनीज ने एक एफिलिएट प्रोग्राम निकाला जिससे कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। अभी के टाइम पे गाइस कंपनी अपनी 80% सेल एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू निकलवा रही है। तो इसमें कंपनीज का फायदा है गाइस, तभी वो कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम्स निकालती है और हमें ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तो इसलिए कंपनीज अब ज़्यादा जोर दे रही है एफिलिएट प्रोग्राम्स पर। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं गाइस, कोई कंपनी मान लेते कि वो कोई फोन लॉन्च करती है, ठीक है, मार्केट में नई कंपनी है बिल्कुल, उसने अपना एक फोन लॉन्च किया, एंड कोई क्रिएटर ऐसा है जैसे कि कोई यूट्यूबर है जो फोन वगैरह के रिव्यूज़ करता है, यानी फोन वगैरह को अनबॉक्सिंग करता है, तो कंपनी यूट्यूबर को बोलती है भाई आप मेरे प्रोडक्ट के लिंक को प्रमोट करो, अगर उस लिंक के थ्रू कोई आपके व्यूअर परचेस करते हैं सामान को तो उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको मिल जाता है। एंड अगर यूट्यूबर या कोई भी इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे सब्सक्राइबर बेस है, तो डेफिनेटली उसकी 50,000 तक तो सेल जाएगी ही जाएगी। 50,000 नहीं तो एटलीस्ट 20,000 फोन तो उसके बिकेंगे ही बिकेंगे, एंड 20,000 फोन का जो प्रॉफिट होगा वो रखेगा एंड कुछ परसेंट उसमें से हमें देगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं गाइस, एक यूट्यूबर की हेल्प से उसने 20,000 फोन अपने सेल करवा लिए, तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तभी वो एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करती है। तो अब बात करता हूँ इस कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिसको आप प्रमोट करके उससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं पूरे साल। तो बात करूँगा सबसे अपने पहली कैटेगरी की, जो कि हमारा फैशन। फैशन में क्या क्या चीज़ें आती है, फैशन में आ गए आपके कपड़े, ज्वेलरीज, वॉचेज, उसके बाद शूज हैं, कैप्स हैं, इन सब चीज़ों को आप प्रमोट करके, इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स को आप प्रमोट करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फैशन एक ऐसी चीज़ है जो पूरे साल ट्रेंड में रहती है, यानी पूरे साल इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, कैप हो, शूज़ हो या कपड़े हो। पूरे साल लोग कपड़े खरीदते हैं, पूरे साल लोग शूज खरीदते हैं, पूरे साल लोग कैप्स खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं, तो इसमें कभी भी इनकम रुकने वाली नहीं है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की, जो कि हमारा हेल्थ एंड फिटनेस का। हेल्थ एंड फिटनेस का जो कैटेगरी होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसमें जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं, लाइक आपका क्रिएटिन हो गया, या आपके प्रोटीन हो गए, या आपके गेनर हो गए, या आपके फिश ऑयल हो गई, या आपका BCAA जो होता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। अगर आप किसी प्रोटीन के डब्बे की बात करें तो उसका एक प्रोटीन का डब्बा 5,000-6,000 का बिकता है। तो सोचो अगर किसी यूट्यूबर के या किसी इन्फ्लुएंसर के ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो अगर एक दिन में 1,000 लोग भी उस डब्बे को परचेस करते हैं तो इसका कितना परसेंट कमीशन यूट्यूबर के पास जाएगा। मैं गाइस 8-8, 9-9 लाख तक अर्निंग करते हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं जो फिटनेस और हेल्थ के इंडस्ट्री में होते हैं। आप बात करते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की, जो कि हमारी कोर्सेज की, यानी आप ऑनलाइन कोर्स बनाकर उसे सेल कर सकते हैं, यानी आप ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट भी कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन कोर्स बनाकर उसे सेल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ गई गाइस, जैसे कि बिजनेस के जो कोर्सेज होते हैं वो हो गए, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हो गए, उसके बाद आपका यूट्यूब का कोर्स हो गया, फेसबुक का कोर्स हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स हो गया। जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगर मैं इसी चीज़ को एज अ कोर्स सेल करना शुरू कर दूँ, एज अ कोर्स बना के सेल करूँ, तो उससे ही मुझे प्रॉफिट होगा। तो कोर्सेज भी एक अच्छी कैटेगरी है एफिलिएट करने के लिए। अब बात करूँ अगर मैं चौथे कैटेगरी की, जो कि मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई फोन वगैरह के रिव्यूज़ करता है या अनबॉक्सिंग करता है, गैजेट्स में आ गए, वो लैपटॉप्स के अनबॉक्सिंग करता है या ईयरबड्स के अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इनकी भी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है गाइस। क्यों होती है? क्योंकि फोन्स जो होते हैं, लैपटॉप जो होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। तो अगर इन प्रोडक्ट को कोई भी यूट्यूबर या कोई भी इन्फ्लुएंसर प्रमोट करता है
जैसे कि अगर कोई लैपटॉप 50,000 रुपये का या 80,000 रुपये का, तो अगर मान लेते कि एक दिन में 500 लैपटॉप भी सेल होते, तो उसका कितना परसेंट कमीशन, यानी कितना पैसा उस यूट्यूबर के पास या उस इन्फ्लुएंसर के पास आएगा। तो बहुत पैसा गया एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे। तो गाइस आप बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम है जो हाई रेट कमीशन देते हैं पर रेफरल। सबसे पहला जो एफिलिएट प्रोग्राम है गाइस, वो है शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम। इसमें आपको पर रेफरल $100 तक मिल जाता है गाइस, यानी अगर आप किसी एक आदमी को भी अगर इसे रेफर करते हो तो उसका आपको $100 ये प्रोग्राम देता है। $100 का मतलब है गाइस 8,000 रुपये। सोचो अगर एक दिन में आपके 20 या 25 रेफरल होते हैं तो आपको कितनी इनकम हो सकती है। दूसरा गाइस हमारा शैमरस एफिलिएट प्रोग्राम। शैमरस में गाइस 200% कमीशन तक आपको मिलता है, यानी $200। बात करेंगे अपने तीसरे एफिलिएट प्रोग्राम की, जो कि है थिंक फिक एफिलिएट प्रोग्राम। इसमें जो आपको कमीशन रेट मिलता है वो मिलता है $1,700 तक पर रेफरल। $1,700 गाइस, 1 लाख रुपए से भी ज्यादा पर रेफरल। तो आप सोच सकते हो गाइस कितना ज्यादा ये प्लेटफॉर्म आपको मौका दे रहा है इनकम करने का। इसके बाद जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो हमारा बिग कॉमर्स एफिलिएट प्रोग्राम। इसमें आपको $200 तक पर रेफरल मिल जाता है गाइस। तो ये कुछ हाईएस्ट पेड एफिलिएट प्रोग्राम थे गाइस, जिनके एफिलिएट प्रोग्राम के साथ अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको पर रेफरल इतने कमीशन मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी, उनके एफिलिएट प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि मैं ज्वाइन हूँ अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ। तो ऐसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी जिसके साथ आप एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। और जो मैंने हाईएस्ट पेड एफिलिएट प्रोग्राम बताया, आप उनके साथ भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम करने के लिए, यानी पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको ऑडियंस चाहिए, यानी आप सामान बेचोगे किसको। तो इसके लिए आपको ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी। ऑडियंस बिल्ड करने के लिए जो सबसे अच्छा अभी प्लेटफॉर्म चल रहा है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे अकाउंट बनाओ, चैनल बनाओ, कंटेंट अपलोड करना शुरू करो, आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी और फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग से आराम से अर्निंग भी कर पाओगे और यूट्यूब के एड से भी आप अर्निंग कर पाओगे। सेकंड जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है गाइस फेसबुक। फेसबुक से भी एफिलिएट प्रोग्राम लोग कर रहे हैं। फेसबुक के बारे में कंटेंट मैं ज्यादातर बनाता हूँ, तो इस पर मुझे पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग फेसबुक से भी बहुत ज्यादा होती है। और हमारा इंस्टाग्राम, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंस्टाग्राम से भी एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं। फोर्थ हमारा टेलीग्राम। टेलीग्राम पर भी आप चैनल बना सकते हो, वहां से भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट बनाकर उस पर ब्लॉग लिखकर, ब्लॉग आर्टिकल वगैरह लिखकर, वहां से आप प्रोडक्ट के लिंक प्रमोट करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो गाइस ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और जो प्रैक्टिकल वे में जिनसे लोग कमा रहे हैं पैसे, मैंने उन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। प्लेटफॉर्म और भी बहुत ज्यादा है लेकिन उनके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन इनके बारे में श्योरिटी है कि यहाँ से लोग एफिलिएट मार्केटिंग करके इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इन प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करो गाइस। एक जगह अगर आपकी ऑडियंस बिल्ड हो गई तो सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी ऑडियंस बड़े आराम से बिल्ड हो जाएगी। एंड यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक और चीज़ है गाइस कि जब भी आप कोई चैनल क्रिएट करते हो या किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपको एक निश डिसाइड करके चलना पड़ेगा। और इसका एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ गाइस आपको कि अगर मान लेते कि मेरे जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग की है, फेसबुक से रिलेटेड है, यूट्यूब से रिलेटेड है, कह सकते हैं ब्लॉग से रिलेटेड है या अर्निंग से रिलेटेड है, तो अगर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर मैं किसी ज्वेलरी प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ तो बहुत ही कम चांसेस है कि मेरी ऑडियंस उस ज्वेलरी को खरीदेगी। आपको निश भी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ता है गाइस। जिनका मोटिव ये होता है कि खाली एफिलिएट मार्केटिंग करना है, वो ज़्यादातर जो फेसबुक पेज बनाते हैं वो बनाते हैं गैजेट्स के ऊपर, या ज़्यादा यूट्यूब चैनल जो बनते हैं वो बनते हैं गैजेट्स के ऊपर, फोन अनबॉक्सिंग को लेकर या फिर लैपटॉप अनबॉक्सिंग को लेकर या फिर गैजेट्स अनबॉक्सिंग को लेकर। तो इन कैटेगरीज पे जो इन्फ्लुएंसर काम करते हैं गाइस, अगर उनकी ऑडियंस बिल्ड होती है तो डेफिनेटली उनका बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग में इनकम जनरेट होता है। जो ऑडियंस जो आ रही है वो फोन से रिलेटेड आ रही है, लैपटॉप से रिलेटेड आ रही है। तो अगर कोई मार्केट में नया फोन लॉन्च होता है या नया लैपटॉप लॉन्च होता है तो अगर उस प्रोडक्ट का लिंक कोई भी इन्फ्लुएंसर अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करता है तो वहां से परचेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ओवरऑल पूरी वीडियो थी गाइस एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और इससे पैसे कैसे जनरेट किए जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।